अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों की रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। दोस्तों ने मुझे कहा कि हम DDC का जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्लासिफिकेशन नंबर्स किताबों को कैसे लगाएं। तो ये स्पेशल जो वीडियो है मैंने उन लाइब्रेरियन के लिए बनाई है जिनके पास लाइब्रेरी के अंदर DDC सेट या क्लासिफिकेशन स्कीम्स की जो बुक है वो मौजूद नहीं है, या जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी किसी भी लाइब्रेरी के अंदर और वो किताबों की क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो बग़ैर DDC सेट के या बग़ैर क्लासिफिकेशन स्कीम के कैसे कर सकते हैं और उनको क्लासिफिकेशन नंबर कैसे अलाट कर सकते हैं। इसी तरह कैटलागिंग करते हुए सब्जेक्ट हेडिंग का इस्तेमाल बग़ैर जो सब्जेक्ट हेडिंग स्कीम्स है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है या सीरीज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, अगर वो उनकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद नहीं तो उसके बग़ैर वो कैटलागिंग करते हुए सब्जेक्ट हेडिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ लिंक्स आपके साथ और मुख्तलिफ ट्रिक्स आपको बताऊँगा, जिसमें बग़ैर आप DDC स्कीम के, बग़ैर सब्जेक्ट हेडिंग स्कीम के किताबों को ना सिर्फ क्लासिफिकेशन करेंगे बल्कि आप बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर और कम वक़्त के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे और सब्जेक्ट हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और आखिर तक देखने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें। चलिए आइए आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे DDC के बग़ैर किताबों की दर्जाबंदी कर सकते हैं। जी तो ये आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं, पूरा डेस्कटॉप है मेरा, तो उसमें अब आपके सामने ये कुछ ब्राउज़र है, गूगल क्रोम मेरे पास भी है, मोज़िला भी है और ओपेरा भी है, तो जो आपको इसमें से मुनासिब लगे आप उसको ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो मैं अब जो है वो गूगल क्रोम जो है उसके ऊपर जो है जाके क्लिक करता हूँ और उसको ओपन करता हूँ, और उसमें मैं बताता हूँ कि कैसे जाके आप जो है वो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन नंबर लगा सकते हैं। और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप मैं लिंक भी मुख्तलिफ ओपेक्स के शेयर कर दूँगा, वो भी आप ज़रूर उसको टच कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। तो ये जी गूगल क्रोम ओपन हो गया। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम किसी भी बड़ी जो लाइब्रेरी हमारे पाकिस्तान की है उसके ओपेक को ओपन कर लेते हैं। उसके ओपेक के अंदर अगर देखें हम, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, तो उसके जो है ना उसको ओपन करता हूँ, और उसके ओपेक के अंदर जाके मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर ये मैंने नेशनल लाइब्रेरी का जो है वो मेन यहाँ पर आ गया, एड्रेस आ गया, तो इसको मैं क्लिक करने लगा हूँ। इसके बाद जाके ये उसकी मेन जो वेबसाइट है ओपेक के जो नेशनल लाइब्रेरी की वो ओपन हो गया, और इसके आप देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर ओपेक लिखा हुआ है, तो मैंने ओपेक के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ओपेक के ऊपर क्लिक कर दिया, चंद सेकंड के बाद ये जो ओपेक है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये आज नेट बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या मसला है। तो ये जी नेशनल लाइब्रेरी पाकिस्तान को पैक आ गया, और यहाँ पे आपने कोई भी अपना जो टॉपिक है जो आप तलाश करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। और यहाँ पे मैं एक कोई अपने पास एक फर्जी सा टाइटल दे देता हूँ, तारीख़ पंजाब देने के बाद ये मैंने यहाँ पर टाइप किया और इसको मैंने सर्च किया। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो उसने नीचे जो है मेरे पास जो है वो लिस्ट के अंदर अब बहुत सारी जो है वो ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे पड़ी है, जो जितनी भी किताबें यहाँ पे इस नाम की पड़ी होंगी वो यहाँ पे आके दे देगा। तो ये हमने नीचे इसको स्क्रॉल कर दिया, स्क्रॉल डाउन किया, तो अब नीचे यानी कि जो मेरा टॉपिक है उसके मुतालिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है, ये जो किताब है हमने तलाश करनी है वो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इसके जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पेज आप नीचे देख रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा है, तो आप इन पेज के ऊपर चले जाएँगे। तो जब उस पेज के ऊपर जाएंगे अगर वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, तो फिर आप ये आप साइड पे देख रहे हैं कि जहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, टाइटल है, आथर है, सब्जेक्ट है, ISBN है, GMD है, जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं फ्लैगशिप टाइप। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक्स्ट्रा जो सर्च है उसके अंदर मैं इसका जो मुसन्नफ़ है सैयद मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं, मैं उनका नाम बतौर मुसन्नफ़ तलाश करता हूँ कि और देखते हैं कि यहाँ पे इस मुसन्नफ़ के नाम के तहत हमें कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि नहीं आती। तो मैंने ये सैयद मोहम्मद मुसन्नफ़ लिख दिया और इसको सर्च कर दिया। जब मैंने जैसे ही सर्च किया तो चंद सेकंड के अंदर ही ये उसको दे देगा। ये मोहम्मद लतीफ़ की डिफरेंट सारी जो है वो किताबें आ चुकी हैं,
अब इसमें देखते हैं कि वो मेरे जो मैं तरीके पंजाब तलाश कर रहा था वो है कि नहीं। ये है जी सेकंड लास्ट के ऊपर, पहले पेज के ऊपर ही जो है वो तारीख़ पंजाब किताब है। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये उसने उसकी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे यहाँ पे आप देख लें, ये उसका क्लासिफिकेशन नंबर है, उसके बाद ये उसका जो है कॉल नंबर है या इसका जो हम मुसन्नफ नंबर कहते हैं वो आ गया, और इसके बाद ये सब्जेक्ट हेडिंग साइड पे दी हुई है वो आप देख सकते हैं। ISBN नंबर यहाँ पे उसका दिया हुआ है, और ये सब्जेक्ट हेडिंग को मैंने बोल्ड भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया, तो आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से डायरेक्ट, आप देखें DDC के आप पेजेस मुख्तलिफ डिफरेंट पेजेस को देखना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है, टेबल से शेड्यूल से टेबल, टेबल से शेड्यूल, शेड्यूल से इंडेक्स, ये काम वो घुमाता रहता है कि कभी किस वाले में जाए कभी किस वाले में जाए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट और जाते हैं जी, किसी और पैक ओपन करते हैं, और यहाँ पर अब मैं जो पैक ओपन करता हूँ वो जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसको ओपन कर लेता हूँ। ख़ास तौर पे यहाँ पे उर्दू का जो मटेरियल है, उर्दू के हवाले से अगर कोई किताब आ जाती है उसको अगर आपने क्लासिफिकेशन नंबर देना है तो हमारे जो लोकल ओपैक्स हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करें, वहाँ के ऊपर आप जा कर दें। तो मैंने ये जी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसके ओपैक को ओपन कर लिया, तो ये मेरे सामने ओपैक आ गया। यहाँ पर आप इंग्लिश का कोई टाइटल दें या कोई उर्दू का टाइटल दें या कोई भी आपके पास टाइटल है तो आप यहाँ पर वो देंगे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और यहीं से आप इंफॉर्मेशन उठा के क्या करते हैं कि आप अपना जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डाल दें, या आप वैसे ही अगर मैनुअल सिस्टम है तो उसके ऊपर आप डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक दिया इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, वैसे ही कुछ जनरल सा टॉपिक दिया, तो इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के मतलब ये डिफरेंट सी जो है हमारे सामने जो है उसने सर्च दे दी। यहाँ पर जी उसका क्लासिफिकेशन नंबर और कॉल नंबर उन्होंने दिया हुआ है, तहम हम इसके एक उसको किसी भी एक को आपने क्लिक कर दिया तो उसके आगे जो इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का ये टॉपिक आ गया उसमें अगर देखें तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड किया, एक्सेशन नंबर दिया हुआ है, सब्जेक्ट हेडिंग दी हुई है, ISBN दिया हुआ है, परचेज ईयर दिया हुआ है, पब्लिशर जो है उसका नाम दिया हुआ है, ऑथर का नाम दिया हुआ है, कॉल नंबर दिया हुआ है, एक्सेशन नंबर दिया, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनको कॉपी करके अपना जो आप कैटलॉगिंग तैयार कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ से उठा के आप दे सकते हैं। इसी तरह एक और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, आप उसको भी देख सकते हैं कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है उसका ओपैक जो है उसके अंदर भी आप उर्दू कलेक्शन और दीगर जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव बुक्स हैं आप उनके जो है क्लासिफिकेशन नंबर भी वहां से ले सकते हैं। तो मैंने ये जो लाइब्रेरी है उसके कैटलाग ओपन कर दिया, तो अभी भी ये चंद सेकंड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो ये कोहा के ऊपर बना हुआ ये सॉफ्टवेयर है, तो इसके ऊपर आप कोई इंग्लिश की मैं कोई किताब सर्च करता हूँ, मसलन फर्ज करें जी लाइब्रेरी साइंस, जस्ट एक सिंपल मैंने टॉपिक यहाँ पर दिया, ये टॉपिक जैसे ही मैंने दिया तो इसको मैं आगे वो गो का निशान है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, वो के क्लिक कर दिया तो ये सर्चिंग में अब ये उसने लाइब्रेरी साइंस के जितने भी मटेरियल यहाँ पे पढ़ाई है, इस लफज लाइब्रेरी साइंस के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे जो मौजूद है उसने वो यहाँ पे दे दी है। अजी तो चंद सेकेंड के अंदर ही हमारी ये सर्चिंग जो हमने लफज लाइब्रेरी साइंस से सर्च किया था अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कैटलाग से तो वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी टोटल बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, ये उसका क्लासिफिकेशन नंबर है, यहाँ पे आप कॉपी करें और अपना जो सिस्टम है जहाँ पे भी आपने लगा दें, ये बार कोड भी उन्होंने यहाँ पे दिया है तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये इसके वो कहाँ से छपी, किस साल छपी, किस पब्लिशर ने छपी, इम्प्रिंट जो है वो दिया हुआ है, ISBN नंबर दिया हुआ है, और इसके बाद इसका ऑथर जो मार्क है वो यहाँ पे दिया हुआ, तो एक डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ से आप उठा के अपने सिस्टम के अंदर रख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई किताब इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल बुक आप सर्च करना चाहते हैं और फॉरेन बुक है और मज़ीद उसकी डिटेल चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़ा जो स्टोर है या बड़ा कैटलाग हमारा वर्ल्ड कैट है उसके ऊपर जाएंगे। वर्ल्ड कैट को मैंने यहाँ पे सर्च किया, वर्ल्ड कैट यहाँ पे ओपन होगा तो मेन इसकी जो वेबसाइट है ये सबसे ऊपर जो टॉप के ऊपर ही है वर्ल्ड कैट ऑर्गेनाइजेशन जो दी हुई है, तो यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जिसको मैंने ये हाईलाइट कर दिया। क्लिक करने के बाद वर्ल्ड कैट जो है इसका मेन जो ओपैक है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो ओपन होता है तो उसके अंदर हम कोई टॉपिक सर्च करेंगे, ये जैसे ओपन हुआ तो इसमें ये कुकीज़ का ये ऑप्शन आता है, आप इसको क्रॉस कर देंगे और इसको रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे एवरीथिंग का पहला टैग है, उसके बाद बुक्स का है, DVDs का है, CDs का है, और इसके बाद आगे भी एक ऑप्शन दिया, तो आप इनमें से जो सबसे बेटर जो है वो एवरीथिंग के ऊपर आप रखें कि आपका जो टॉपिक है उसको मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर उसके आ जाएगी।
और यहाँ पे जो मैंने टॉपिक दिया हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज जो है इन पाकिस्तान, ये मैंने टॉपिक यहाँ पे सर्च कर यहाँ पे टॉपिक दे दिया, तो इसके मुतालिक उसने डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सर्च करके दे दी हैं। तो जैसे ही उसने ये सर्च किया तो उसमें से बाज़ का तो ये फुल टाइटल जो सेम टाइटल होता है वो आ जाता है, बाज़ से मिलता जुलता टाइटल आ जाता है। तो ये लाइब्रेरी एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान ये टॉपिक मैंने यहाँ पर दिया तो ये आ गया। और ये टॉपिक जब मैंने दिया यहाँ पर तो उसके आगे डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। आप ये उसका एक जो है वो इंटरफेस ओपन हुआ है तो ये इसके सब्जेक्ट हेडिंग्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं, और इसके बाद ये इसके मुसन्नफ़ का नाम दिया हुआ है और इसका ये पब्लिशर है वो दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद ये जो है इसका साल और जो है पब्लिकेशन है कि ये कब छपी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो नीचे लिंक्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये दुनिया में कहाँ कहाँ पे पढ़े, ये इसका जो है पेजेस की तादाद दी हुई कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है वो कौन सी, और इसमें OCLC नंबर का एक इजाफा होता है कि OCLC नंबर जो है वो दिया होता है, और ये इससे रिलेटेड टॉपिक जो हैं या सब्जेक्ट हेडिंग्स आप इनको कह सकते हैं ये यहाँ पे दी हुई है, तो ये यहाँ से आप उठा सकते हैं और ये आप वहाँ पे अपने जाके आप सिस्टम के अंदर या आपका जो कैटलाग है उसके अंदर आप इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम कोई एक और टॉपिक सर्च करते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर भी आप लाइब्रेरी के मुतल्लिक है तो आप कोई और टॉपिक सर्च कर लें, मैंने जस्ट सिर्फ लाइब्रेरीज जो है वो सर्च कर दिया तो यहाँ पे लाइब्रेरीज के मुतल्लिक जितना भी मटेरियल्स है चाहे वो बुक्स हैं आर्टिकल हैं CDs है DVD है कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे आ गई। तो अब इसके अंदर आप देखें तो ये सारी ये जो नीचे ये वाला है कि ये पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे पड़ी है और ये इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है और आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं, ये रिव्यू है रेफरेंसेस हैं सब्जेक्ट हेडिंग्स हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको कैटलाग के अंदर बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। जब आप कैटलाग करते हैं तो यकीनी तौर पर आपका जो यूज़र है उस तक ये पहुँच जाती है।